हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का हाल पूछे लगभग 40 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि कैसा चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई परेशानी हो तो वो भी बताएं, शायद कोई उसका हल निकले। आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं भैया, आप इसको बताइए थोड़ा सा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक ट्रिग्नोमेट्री कोर्स के बारे में। ओके, तो ये माध्यमिक ट्रिग्नोमेट्री कोर्स क्यों आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। ये कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया गया है सेपरेटली और बहुत ही अलग तरीके से, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा पोर्शन है मैथमेटिक्स का। आपको क्लास 10th में शायद उतना ना समझ आए, लेकिन क्लास 11th 12th और फर्दर में आप देखोगे तो आपको समझ आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही बड़ा पोर्शन है मैथमेटिक्स का। तो क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा पोर्शन है, तो इसके बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री से आपकी मुलाकात क्लास 10th में पहली बार हो रही है। ओके, तो इसीलिए ये थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि पहली बार आप बहुत सारे नए टर्म्स को सुनोगे। ओके, तो इसीलिए इसको अलग से डिज़ाइन किया गया है कोर्स को। फटाफट से बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, जो माध्यमिक में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा वो आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, यानी लगभग 90 में 18 मार्क्स जो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री से ही आएगा आपके माध्यमिक के मैथ के फाइनल वाले पेपर में। ओके, दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि अगर आप आगे चल के साइंस लेने का थोड़ा सा भी कहीं पे प्लान कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, कहीं भी आप चले जाओ आपको ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 11th और क्लास 12th के भी अगर हिसाब से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हाँ भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें ट्रिग्नोमेट्री की, ये ट्रिग्नोमेट्री में आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग दे रहे हैं, तो वो ये है कि भाई सिर्फ मैथ ही नहीं, मैथ के अलावा भी अगर कोई चीज़ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स वगैरह में भी, तो वहाँ पे भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ता है, इसके बगैर नहीं होगा। ओके, तो ये वो सारा चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात चला जाए और आपको समझ आ जाए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स में, इसीलिए हमें इसको एकदम दिलोजान से अच्छे से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, कैसे होगा भैया एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया है। बात करते हैं अब हम लोग कोर्स के बारे में कि क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कहाँ पे वीडियोस आएगा और क्या क्या चीज़ है वो समझते हैं। ओके, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को बता दूँ जिससे कि आपको समझ आए कि हाँ ये कोर्स जो है वो हर हाल में हमें करना है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है। ठीक है, यानी कि इस कोर्स में जितना भी मटेरियल और जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम तगड़ा वाला कंटेंट होगा, लेकिन फ्री होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको ध्यान रहे कि ये जो कोर्सेस हम लोग लाने वाले हैं इसका वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे आएगा। ओके, ये वीडियोस जितना है वो सारा का सारा कहाँ आएगा, यूट्यूब पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेंशन नहीं लेना है, यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो आराम से लेसन देख सकते हो। ओके, तीसरी चीज़ ये कि वीडियो कब आएगा भैया, तो 7 तारीख से यानी कि 7 मई से वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ओके, उसके बाद टाइमिंग थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि टाइमिंग क्या होगा वीडियो का, तो 6:30 पे आप लोग अपना पेन और पेपर लेकर रेडी रहना, पेपर मतलब कॉपी, राइट, तो पेन और कॉपी लेकर अपना रेडी रहना, क्योंकि 6:30 आपके भैया आएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए आपके घर में। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बेड पे या स्टडी टेबल पे बैठ जाना है क्या करके, पेन और कॉपी लेकर। ओके, बढ़िया। इसके अलावा आपको इस कोर्स में नोट्स भी मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ आपको नोट्स भी मिलेगा इस कोर्स में, तो टेंशन नहीं लेना है कि भैया जो आपने पढ़ाया उसका नोट्स दे देते तो अच्छा होता, ताकि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता बाद में, तो इसीलिए नोट्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कहाँ से इसको लेना है, कैसे डाउनलोड करना है अभी बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो आप लोगों को DPP भी मिलेगा, यानी कि जो आपको पढ़ाया गया है जिस लेक्चर में, यानी मान लो 7th को जो क्लास होगा उसमें जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है और जो क्वेश्चंस सॉल्व करवाया गया, उसके अलावा जो क्वेश्चंस होगा जो कि ज़रूरी है आपको सॉल्व करना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वैसा क्वेश्चंस, वो सारा DPP में इंक्लूडेड रहेगा, जिसको कि आपको सॉल्व करके अगले क्लास में आना है। ओके, इसको आप होमवर्क भी समझ सकते हो और इसको आप DPP भी कह सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे। ओके,
तो ये जो नोट्स और डीपीपी है ये भैया कहाँ मिलेगा मुझे? तो ये नोट्स और डीपीपी जब आप लेसन को, यानी कि जब आप क्लास अच्छे से कर लो, करने के बाद क्लास ओवर हो जाए, तो आप जो है वो ऐप में जाकर डीपीपी को डाउनलोड कर लेना और नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? ऐप कौन सा ऐप भैया? तो आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्ट एरा ऐप आपको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है अगर आपने नहीं कर रखा है अब तक तो। और उसके बाद उस ऐप में आपको ऑप्शन ऑलरेडी वहां पे दिख जाएगा ट्रिग्नोमेट्री कोर्स का, जब आप ऐप ओपन करोगे तो वहां पे आपको जाना है। इजीली आप नोट्स और डीपीपी या होमवर्क जो भी बोलो वो आप डाउनलोड कर पाओगे। कहीं कुछ इशू हो रहा है इसको समझने में, जब लेक्चर आ जाए उसके बाद अगर आपसे नोट्स या होमवर्क डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप उस लेक्चर के कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? यानी कि ऑलमोस्ट हमने देखा कि क्या क्या वो चीज़ है जो आप लोगों को जरूरी हो सकता है। मैथ, यानी कि मैथ के ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में 18 आउट ऑफ 18 लाना, एज वेल एज आगे फर्दर स्टडीज़ में आपका कॉन्सेप्ट बेसिक वाला क्लियर करने के लिए। तो हम लोगों को यही समझ आया कि आपको अच्छा सा लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए जिसमें सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया जाए, नोट्स आपको दे दिया जाए और डीपीपी दे दिया जाए, तो आपका 100% काम बन जाएगा। तो हमने आपको ये सारा कुछ देने का कोशिश किया है और आई होप कि मैं आपको ये सारा कुछ पहुँचा भी दूंगा अच्छे से आप तक। ओके, तो ये कोर्स है आप लोगों के लिए। बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि जितना भी स्टूडेंट आप लोग जानते हो जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे माध्यमिक का, आप उन्हें कनेक्ट करें, आप उन्हें बताएं और मिलकर साथ में पढ़ें। कहीं आपको समझ नहीं आए तो आप उनसे पूछें, शायद उन्हें समझ में आ जाए अच्छा से तो वो आपको बता दें, और एक तगड़ा वाला इन्वायरमेंट बनाकर आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है? डीपीपी जब मिले तो आप लोग 2-3-4-5 फ्रेंड जो भी कोर्स को ज्वाइन करके आप लोग पढ़ रहे हो वो सारे लोग एक साथ बैठकर डीपीपी सॉल्व करें, ताकि एक दूसरे से अपना जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे को नहीं समझ आया है वो एक दूसरे को अच्छे से समझा भी पाए, मजा आएगा। ओके, तो आपको करना क्या है, बताना है उन सारे लोगों को इस कोर्स के बारे में जो कि क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि वो भी अच्छे से सारे चीज़ों को समझ पाएँ। ओके, इस कोर्स के दौरान आपको सारा सब्जेक्ट्स को भी साथ में लेकर चलना है और इसको भी लेकर चलना है। और एक चीज़ ध्यान रहे कि ये जो कोर्सेस आएगा, लेसन्स यानी जो लेक्चर्स आएगा, वो अल्टरनेट डेज में आएगा। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब ये है मेरा कि 7 मई को अगर आ रहा है पहला लेक्चर, तो 8 को नहीं 9 को दूसरा, ठीक है, 10 को नहीं 11 को तीसरा, इस तरीके से एक एक दिन गैप करके लेक्चर आएगा 6:30 बजे यूट्यूब पर। बस आपको रेडी रहना है। ओके, बढ़िया, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताएं कहीं कोई और आप लोगों को हेल्प चाहिए इस कोर्स में, और कुछ ऐड करना है तो उसके रिगार्डिंग, उसके अलावा स्टडीज़ में और कहीं कुछ इशू हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कुछ हाल पूछना हो या कुछ सवासी देना हो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। याद रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करते हो तो लगता है कि हाँ जो किया जा रहा है इधर से वो आप लोगों को हेल्प कर रहा है, एज वेल एज अपने दोस्तों से भी करवा लेना, क्योंकि जब वहाँ पर सब्सक्राइब वाला नंबर बढ़ता है तो थोड़ा सा मज़ा आता है देख कर। ओके, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ये सारा कुछ बताने की बात नहीं है, आप मैच्योर हो चुके हो भाई, 10th में आ चुके हो, आपको पता है क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, मिलते हैं फिर 7 मई को कोर्स के साथ, मजा आएगा कोर्स में डेफिनेटली। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।